नमस्कार दोस्तों, हरियाणा जीके सीरीज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हरियाणा जीके सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो हरियाणा की प्रमुख नदियां है। आज हम हरियाणा की प्रमुख नदियों के बारे में जिक्र करेंगे। आप भी हेडिंग डाल लीजिए, हरियाणा की प्रमुख नदियां। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बस दिल थाम के बैठे रहिएगा, सब कुछ आपको समझ में आएगा। लगातार हमारे साथ में जुड़े रहिए। हरियाणा की प्रमुख नदियों से संबंधित यदि पॉइंटों का डिस्कशन करें तो हरियाणा के अंदर मुख्य रूप से 9 नदियां हैं। हरियाणा के अंदर जो मुख्य रूप से नदियां हैं, मुख्य रूप से वो कितनी नदियां हैं? 9 नदियां हैं, जिसमें से एक तो नदी है जिस बारहमासी। एक नदी कैसी है? बारहमासी नदी है। और 8 नदियां कैसी है तो आप याद रखिएगा, मौसमी नदियां, जिसमें 4 तो पड़ती है उत्तरी हरियाणा के अंदर और 4 किसमें पड़ती है? दक्षिण हरियाणा के अंदर। 4 जो नदियां हैं वो उत्तर हरियाणा के अंदर पड़ती है मौसमी, और 4 ही नदियां हैं वो दक्षिण हरियाणा के अंदर पड़ती है मौसमी। लेकिन एक बारहमासी नदी है और उस नदी का नाम क्या है? यमुना उस नदी का नाम है। आज सबसे पहले जो हम डिस्कशन करेंगे वो हम बारहमासी नदी यमुना नदी का ही डिस्कशन इस वीडियो में हम सबसे पहले करते हैं। देखिए, यमुना नदी के पॉइंट की बात करें तो यमुना नदी है, इसकी लंबाई है 1370 किलोमीटर। यमुना नदी की लंबाई 1370 किलोमीटर है। यह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, आप सभी को मालूम है क्योंकि आपने इंडियन ज्योग्राफी में यह पढ़ा हुआ है। गंगा की सबसे लंबी जो सहायक नदी है उस नदी का नाम क्या है? यमुना। और ये यमुना नदी याद रखिएगा, उत्तराखंड के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसका नाम है बंदरपूछ डिस्ट्रिक्ट। याद रखिएगा, उत्तराखंड के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसका नाम है बंदरपूछ डिस्ट्रिक्ट, और उस बंदरपूछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक हिमालय पड़ता है और उस हिमालय का नाम क्या है? गढ़वाल हिमालय। यमुना नदी उत्तराखंड के बंदरपूछ जिले में स्थित गढ़वाल हिमालय के पश्चिमी छोर के ऊपर एक ग्लेशियर से निकलती है, और उस ग्लेशियर का क्या नाम है तो आप याद रखिएगा, यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से। कौन से ग्लेशियर से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर। और इस यमुनोत्री ग्लेशियर की ऊंचाई कितनी है तो आप याद रखिएगा, 6330 मीटर इसकी ऊंचाई है। याद रखिएगा, मीटर इसकी ऊंचाई है यमुनोत्री ग्लेशियर। याद रखिएगा, यमुनोत्री ग्लेशियर गढ़वाल हिमालय में स्थित है, उत्तराखंड के बंदरपूछ जिले में स्थित है, जहां से यमुना नदी निकलती है। अब यमुना नदी उत्तराखंड वगैरह से बहती हुई सीधी आती है। यमुना नदी आगे आकर हरियाणा में प्रवेश करती है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। ये हमारे पास में पड़ता है हरियाणा और यहां पर पड़ता है उत्तर प्रदेश। ये यमुना नदी हरियाणा के अंदर प्रवेश कहां से करती है तो आप याद रखिएगा, ये जो क्षेत्र है ना, ये सारा क्षेत्र कलेसर नेशनल पार्क का है। ये यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है कलेसर से। साथ के साथ में नोट करते रहिएगा, बिल्कुल आसान पॉइंट है, साथ के साथ में समझ में आएगा, बहुत आसान है यदि आप पढ़ते हैं तो। यमुना नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? कलेसर से प्रवेश करती है। कलेसर कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? यमुनानगर के अंदर है। यमुना नदी के नाम पर ही यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट का नाम पड़ा है, यह भी आप याद रखिएगा। यमुना नदी यमुनानगर के कौन सी दिशा में बहती है तो याद रखिएगा, पूर्वी दिशा के अंदर। अब हमारे पास में ये दिशा उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम, और ये कौन सी है? पूर्व है। अब आपसे ये पूछे कि हरियाणा के किस दिशा में यमुना नदी बहती है, ये पॉइंट नोट कर लीजिए, एग्जाम में आता है। हरियाणा के किस दिशा के अंदर यमुना नदी बहती है तो याद रखिएगा, पूर्वी दिशा के अंदर। कौन सी दिशा के अंदर? पूर्वी दिशा के अंदर। लेकिन आपसे ये पूछे कि यमुना नदी की हरियाणा किस दिशा में है तो आप याद रखिएगा, पश्चिमी। दोनों पॉइंट साथ के साथ में नोट करें, यमुना नदी हरियाणा की किस दिशा में बहती है? पूर्वी दिशा में। और यमुना नदी के हरियाणा किस दिशा में है तो आप याद रखिएगा, पश्चिमी दिशा के अंदर है। क्वेश्चन ये पूछेगा कि हरियाणा के किस छोर के ऊपर, हरियाणा के किस छोर के ऊपर यमुना नदी बहती है तो आप क्या बताएंगे? पूर्वी छोर के ऊपर। ये यमुना नदी प्रवेश करती है कलेसर से, यमुनानगर से। लेकिन ये यमुना नदी हरियाणा से बाहर निकलती है कहां से तो आप याद रखिएगा, ये हमारे पास में डिस्ट्रिक्ट पड़ता है पलवल, और इस पलवल के अंदर पड़ता है हसनपुर। याद रखिएगा, हसनपुर। इस हसनपुर पलवल से फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर चली जाती है यमुना नदी। दोनों पॉइंट क्लियर है? दोनों पॉइंट फिर से क्लियर हो जाएंगे। देखें, यमुना नदी ने हरियाणा में प्रवेश किया कलेसर से। हमने पिछली वीडियो के अंदर वन्य जीव अभयारण्य नेशनल पार्क बताए थे तो उसमें बताया था
कलेसर नेशनल पार्क के बीचों बीच बहने वाली नदी या कलेसर नेशनल पार्क कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? तो आप याद रखिएगा यमुना नदी के ऊपर। यमुना नदी प्रवेश करती है कलेसर से, और यमुना नदी बाहर कहां से निकलती है? हसनपुर पलवल से निकलती है, याद रखिएगा। लेकिन एक हसनपुर आपने सोनीपत में भी पढ़ा होगा, हरियाणा का प्रथम अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र, हरियाणा का प्रथम अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र कौन सा है? हसनपुर। और हसनपुर कहां पर पड़ता है? सोनीपत में, याद रखिएगा। एक हसनपुर पलवल में और एक हसनपुर सोनीपत में है। लेकिन हरियाणा का जो प्रथम अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र है हसनपुर सोनीपत में, वो किस नाम से है? तो आप याद रखिएगा नंदघर के नाम से। किस नाम से है? नंदघर के नाम से। लेकिन उसका जिक्र हम सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में करेंगे, याद रखिएगा। सोनीपत डिस्ट्रिक्ट देखिएगा, उसमें हम करेंगे जिक्र। तो कोई बात नहीं, यमुना नदी का डिस्कस कर रहे थे। यमुना नदी कलेसर से प्रवेश किया और बाहर कहां से निकला? हसनपुर से। यमुना नदी हरियाणा के कितने जिलों से बहती है? तो याद रखिएगा यमुनानगर, उसके बाद में करनाल, उसके बाद में पानीपत, पानीपत के बाद में सोनीपत, फिर देश की राजधानी दिल्ली आ जाती है, उसके बाद में नाम आता है फरीदाबाद का, और उसके बाद में नाम आता है पलवल का। यमुना नदी हरियाणा के कितने जिलों से बहती है? तो याद रखिएगा 6 जिलों से बहती है। अब आपने देखा होगा कि यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य बह रही है, यहां से ये यमुना नदी बह रही है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य यमुना नदी एक प्राकृतिक सीमा रेखा बनाती है। यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य एक प्राकृतिक सीमा रेखा बनाती है। और यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य कितना किलोमीटर बहती है? तो आप याद रखिएगा 320 किलोमीटर। कितना किलोमीटर बहती है? 320 किलोमीटर। तो इसमें चौंकने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी किसी बुक में आपको 328 किलोमीटर भी मिल जाएगा, लेकिन अधिकतर बुकों के अंदर कितना है? 320 किलोमीटर। यह एग्जाम में पूछा भी गया है और एग्जामिनर ने भी कितना माना है? 320 किलोमीटर। फिर से एक बार पॉइंट नोट कर लीजिए, यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य एक प्राकृतिक सीमा रेखा बनाती है। यह प्राकृतिक सीमा रेखा कितने किलोमीटर लंबी है? तो आप याद रखिएगा 320 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है, याद रखिएगा। या एक क्वेश्चन ये पूछेगा कि यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य कितना किलोमीटर बहती है? तो आप बताएंगे कितना? 320 किलोमीटर। कितने डिस्ट्रिक्टों से बहती है? 6 डिस्ट्रिक्टों से। हरियाणा के कौन से छोर पर बहती है? पूर्वी छोर पर। गंगा की सबसे लंबी सहायक कौन सी है? यमुना। कहां से प्रवेश करती? कलेसर से। और बाहर कहां से निकलती है? हसनपुर से। सभी पॉइंट क्लियर है, बहुत अच्छे। हरियाणा की प्रमुख नदी है ये, जो बारहमासी नदी है, ये हरियाणा की काफी प्रमुख नदी है, ये याद रखिएगा। सभी पॉइंट साथ के साथ में आप नोट करते हुए चलिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखें, अब हम पढ़ेंगे यमुना की सहायक नदियों का, यमुना की जो सहायक नदी है उसका जिक्र हम करेंगे। सबसे पहले जो सहायक नदी आती है उसमें नाम आता है गिरी, उसके बाद में नाम आता है टोंस, उसके बाद में नाम आता है सोम, उसके बाद में नाम आता है पथराला, और उसके बाद में किसका नाम आता है? बूढ़ी। याद रखिएगा ये यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं। यमुना की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उसमें सबसे पहले नाम आता है गिरी, उसके बाद टोंस, उसके बाद सोम, उसके बाद में पथराला, और उसके बाद में बूढ़ी। सोम और जो पथराला नदी है, सोम और पथराला नदी ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है। हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट से निकलती है? तो आप याद रखिएगा सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से। हिमाचल प्रदेश से निकलती है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से निकलती है? सिरमौर से। हिमाचल प्रदेश से बहती हुई यमुनानगर के अंदर आती है। हिमाचल प्रदेश से बहती हुई कहां पर आती है? यमुनानगर के अंदर आती है। और यमुनानगर के अंदर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है मेहर माजरा। मेहर माजरा यमुनानगर के गांव के अंदर एक गांव पड़ता है यमुनानगर में, मेहर माजरा। उस मेहर माजरा के पास में ये दोनों नदियां कौन कौन सी? सोम और पथराला संयुक्त रूप से किसके अंदर मिल जाती है? यमुना नदी के अंदर मिल जाती है। याद रखिएगा सोम और पथराला नदियां हैं ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से निकलती है, और यमुनानगर के गांव मेहर माजरा के पास में किसमें मिल जाती है? संयुक्त रूप से यमुना नदी के अंदर मिल जाती है। देखिए दिल थाम के बैठे रहिएगा, सब कुछ समझ में आएगा, बिल्कुल आसान है, बैठे रहिए, बस आप देखते रहिए लगातार, और थोड़ा बहुत नोट्स भी बनाते रहे जो आपके आगे काम आएंगे। आज ज्यादा डिस्कशन इस वीडियो के अंदर नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो काफी बड़ा होने वाला है और बेहतरीन भी होने वाला है, मजा आएगा। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में निकलते निकलते हैं, तो जिंदगी को थोड़ा सा सीरियस बनाइएगा, ये वक्त है, इसको सीरियस तरीके से यूज कीजिएगा, वरना आप ऐसे सीरियस हो जाएंगे कि देखिए वक्त बलवान होता है,
अभी सीरियस रहेंगे तो जिंदगी आगे सही कटेगी, और यदि अभी जिंदगी आप सही काट रहे हैं ना, तो आगे जिंदगी में ऐसा सीरियस होना पड़ेगा कि ध्यान रखना फिर क्या क्या हो सकता है, किन किन परिस्थितियों से आप गुजर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब ले लीजिए, आसान है, तो आप लगातार पढ़िए और साथ के साथ में नोट्स बनाइए। इस समय में, इस टाइम पीरियड में कोई भी नहीं पढ़ रहा, एग्जाम आते हैं जब सब पढ़ते हैं, तो आप इस टाइम का यूज कीजिए, आप एक दिन बेहतरीन चमकेंगे आप पढ़ पढ़कर। तो देखें, याद रखिएगा, सोम और पथराला नदी है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से निकलती है, मेहर माजरा के पास में किसे मिल जाती है, तो यमुना में मिल जाती है। उसके बाद में ये गिरी इसलिए प्रमुख सहायक नदी है, याद रखिए गिरी और टोंस यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं। गिरी नदी है, इसके ऊपर एक बांध पड़ता है जिसका नाम है रेणुका बांध। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रेणुका बांध कौन सी नदी के ऊपर है, तो याद रखिएगा गिरी। गिरी किसकी सहायक है? यमुना की सहायक है। उसके बाद में टोंस इसलिए सहायक है, इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसके ऊपर एक बांध पड़ता है जिसका नाम है किसोह बांध। टोंस जो नदी है, इसके ऊपर उत्तराखंड के अंदर एक बांध पड़ता है जिसका नाम है कौन सा? किसोह बांध। याद रखिएगा, किसोह बांध टोंस नदी के ऊपर, रेणुका बांध गिरी नदी के ऊपर, दोनों किसकी सहायक है? यमुना की सहायक है। और इस यमुना के ऊपर एक बांध पड़ता है जो, याद रखिएगा, जिसका नाम क्या है? लखवार व्यासी बांध। ये लखवार व्यासी बांध कौन से स्टेट में है, तो आप याद रखिएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो आप याद रखिएगा देहरादून डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है लखवार व्यासी बांध। तीनों बांध बहुत प्रसिद्ध है, काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा लखवार व्यासी बांध यमुना नदी, रेणुका बांध गिरी नदी, और किसोह बांध टोंस नदी। गिरी और टोंस किसकी सहायक है? यमुना की सहायक है। बहुत बढ़िया। अब हम देखेंगे यमुना नदी के ऊपर जो हरियाणा के अंदर बांध पड़ते हैं उनका डिस्कशन करेंगे। देखिए, यमुना नदी ने प्रवेश किया कलेसर से, उसके कुछ ही दूरी के बाद में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम आता है ताजेवाला। याद रखिएगा, ताजेवाला कॉम्प्लेक्स पढ़ा होगा आपने। ये ताजेवाला कॉम्प्लेक्स इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहां से दो नहरें निकाली गई, एक तो पूर्वी यमुना नहर और एक पश्चिमी यमुना नहर। ये पश्चिमी यमुना नहर निकाली कब गई थी, तो याद रखिएगा 1879 के अंदर। अगला जो पॉइंट टॉपिक होगा हमारा, अगली जो वीडियो होगी उसमें इन नहरों का जिक्र करेंगे। लेकिन एक कमेंट आया हुआ था एक लड़के का, उसने पूछ रखा था कि सर पश्चिमी यमुना नहर कब निकली थी, तो आप याद रखिएगा 1879 के अंदर पश्चिमी यमुना नहर निकली थी। देखिए 1879 है जब पश्चिमी यमुना नहर निकली। ताजेवाला कॉम्प्लेक्स से हरियाणा की सबसे पुरानी और सुप्रसिद्ध नहर है पश्चिमी यमुना नहर, जो ताजेवाला से निकली थी। लेकिन इसी 1879 के अंदर विश्व की प्रथम गौशाला बनी थी, कहां पर? रेवाड़ी के अंदर बनी थी। याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रयासों से बनी थी। लेकिन 1879 के अंदर 1879 के अंदर यदि 100 जोड़ दे तो 1979 फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट बना था। 100 घटा दे 1879, ताजेवाला कॉम्प्लेक्स से पश्चिम यमुना नहर निकली थी और रेवाड़ी के अंदर याद रखिएगा गौशाला खुली थी, विश्व की प्रथम। लेकिन सबसे कम गाय भी कहां पर है? रेवाड़ी में। सबसे ज्यादा गाय और गौशाला कहां पर है? सिरसा के अंदर है। तो ये सभी चीजें याद रखिएगा। उसके बाद में नाम आता है हाथनी कुंड बैराज का। हाथीनी कुंड जो बैराज है, याद रखिएगा ये भी कहां पर पड़ता है? यमुनानगर के अंदर। पहले नाम आता कलेसर का, कुछ दूरी के बाद ताजेवाला, कुछ दूरी के बाद में हाथीनी कुंड बैराज। राज्य का, हरियाणा का सबसे बड़ा कंक्रीट डैम, हरियाणा का सबसे बड़ा जो कंक्रीट डैम है वो कौन सा है? हाथीनी कुंड बैराज है। कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। यहां पर महासीर नाम की दुर्लभ प्रजाति की मछलियां मिलती है। कौन सी? महासीर नाम की दुर्लभ प्रजाति की मछलियां मिलती है। याद रखिएगा मछियारों का स्वर्ग कौन से डिस्ट्रिक्ट को कहते हैं? यमुनानगर को। और मछियारों का स्वर्ग कौन से बांध को कहते हैं? हाथनी कुंड बांध को कहा जाता है। उसके बाद भी यमुना नदी करनाल में आई, पानीपत में आई, सोनीपत में आई, दिल्ली में आई। दिल्ली में यमुना नदी के ऊपर एक बांध पड़ता है जिसका नाम क्या है? ओखला बांध है। याद रखिएगा दिल्ली के अंदर। उसके बाद में जैसे ही दिल्ली के अंदर ओखला बांध आया, इस ओखला बांध से एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है गुरुग्राम नहर, जो गुरुग्राम और फरीदाबाद में सिंचाई का कार्य करती है, कल करवाएंगे। उसके बाद में नाम आता है फरीदाबाद का। इस फरीदाबाद के अंदर एक बांध पड़ता है जिसका नाम है अनंगपुर बांध। याद रखिएगा जिसे किस नाम से भी जाना जाता है? ग्रेविटी डैम के नाम से भी जाना जाता है, जो तोमर वंश के राजा अनंगपाल ने बनवाया था। याद रखिएगा अनंगपुर बांध, ओखला बांध, हाथनी कुंड, ताजेवाला,
लखवार व्यासी बांध कौन सी नदी के ऊपर है? यमुना नदी के ऊपर है। बहुत अच्छे, ये सभी पॉइंट यमुना नदी से संबंधित है और ये सभी पॉइंट आपको समझ में भी आए होंगे। बहुत बेहतरीन पॉइंट है, अच्छे पॉइंट बनते हैं, यहां से क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में निकलते ही निकलते हैं। तो ये याद रखिएगा, हमने अभी एक बारहमासी नदी का जिक्र किया है और वो नदी कौन सी है? यमुना नदी है। अब हम जो पढ़ेंगे उस नदी का नाम है घग्गर नदी। घग्गर नदी, ये जो घग्गर नदी है ये कहां से निकलती है? तो याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित डागसाई पहाड़ियों से निकलती है। बहुत अच्छे, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित डागसाई पहाड़ियों से निकलने वाली नदी है जिसका नाम है घग्गर। आपको ये दिख नहीं रहा होगा, यहां पर रिफ्लेक्शन पड़ रहा है थोड़ा सा, तो ये आप हेडिंग डाल लीजिए घग्गर नदी है। कौन सी नदी है? घग्गर नदी। और ये जो घग्गर नदी है ये कहां से निकलती है? तो आप याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है सिरमौर, और वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर पहाड़ी पड़ती है, शिवालिक के अंदर डागसाई पहाड़ी, और उन डागसाई पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? घग्गर नदी, घग्गर रिवर। राज्य की प्रदूषण मुक्त जो रिवर है वो कौन सी है? घग्गर। याद रखिएगा, एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, यदि हरियाणा के अंदर वर्षा होती है, यदि हरियाणा के अंदर वर्षा हुई तो सबसे पहले कौन सी नदी में पानी आता है? तो आप याद रखिएगा, घग्गर नदी में। आठ की आठ जो मौसमी प्रमुख मौसमी नदियां हैं उन नदियों का जिक्र करें तो सबसे पहले जो पानी आएगा वो कौन सी नदी के अंदर आएगा? घग्गर नदी के अंदर आता है। ये घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश से निकली थी, हरियाणा की प्रमुख नदी है, तो हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? तो याद रखिएगा, हरियाणा में ये प्रवेश करती है कालका से। हरियाणा के अंदर पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है कालका, कालका से प्रवेश करती है। उसके बाद में ये बहती है नदी कालका, कालका के बाद में अंबाला, अंबाला के बाद में ये जाती है नदी कहां पर? पंजाब में, पंजाब के बाद में फिर से कैथल में, और कैथल के बाद में फिर से कहां पर जाती है? पंजाब में, और पंजाब के बाद में फिर से फतेहाबाद में, और फतेहाबाद के बाद में कहां पर जाती है? सिरसा, और सिरसा से ये कहां पर चली जाती है? हनुमानगढ़ राजस्थान के अंदर चली जाती है। देखिए, समझने का पॉइंट है कहां कहां पर बहती है, तो सबसे पहले ये पॉइंट नोट कीजिए आप, घग्गर नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती? कालका, पंचकुला से। बहुत अच्छे, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, घग्गर नदी हरियाणा के पंचकुला अंबाला में बहती है, उसके बाद में ये पंजाब में चली जाती है, फिर कैथल में आती है, फिर पंजाब में चली जाती है, और पंजाब के अंदर संगरूर के अंदर इसमें यहां पर एक सरस्वती नदी आकर मिलती है, उसका भी डिस्कशन हम कुछ चंद लम्हों के बाद में ही करने वाले हैं। उसके बाद में फतेहाबाद में आती है, फतेहाबाद के बाद में सिरसा में, और सिरसा से हनुमानगढ़, और यदि ज्यादा पानी होता है तो ये नदी हनुमानगढ़ से आगे चली जाती है, कहां पर? राजस्थान में बहती हुई पाकिस्तान के अंदर। लेकिन पाकिस्तान में इस नदी को किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा, घग्गर नदी को पाकिस्तान में किस नाम से जानते हैं? हाकरा नदी के नाम से, हाकरा, या कभी कभी आपको डा भी मिल जाएगा, हाकरा या हाकड़ा नदी के नाम से इसे जानते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है। उसके बाद में ये जो घग्गर नदी है, घग्गर द्वार नदी जो है, जब इसमें उफान आता है तो जो बाढ़ का मैदान है, घग्गर नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर बाढ़ आ जाती, घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान, याद रखिएगा, घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान किस नाम से जाना जाता है? तो आप याद रखिएगा, नैली के नाम से जानते हैं। घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान किस नाम से जाना जाता है? नैली के नाम से। उसके बाद में घग्गर की जो सहायक नदियां हैं, घग्गर की जो सहायक नदियां हैं, उस सहायक नदियों में नाम आता है किसका? तो आप याद रखिएगा, झाझरा, झाझरा, और कौन सी नदी है? तो याद रखिएगा, कौसल्या। झाझरा और कौसल्या ये घग्गर की प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब ऐसा नहीं है कि घग्गर की दो ही प्रमुख सहायक नदी है, घग्गर की मुख्य दो सहायक नदी है जिसका नाम आता है झाझरा और कौन सी है? कौसल्या। लेकिन इस घग्गर के अंदर छोटे छोटे नाले भी बहुत ज्यादा आकर मिलते हैं, क्योंकि शिवालिक पहाड़ियों से छोटे छोटे नाले आकर मिलते हैं। वो जो छोटे छोटे नाले हैं जो घग्गर नदी के अंदर किसी भी स्थान पर आकर मिलते हैं, उनको स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते हैं? तो आप याद रखिएगा, चो के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? चो के नाम से। घग्गर नदी में जो छोटे छोटे नाले आकर मिलते हैं उनको स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते हैं?
चो के नाम से जाना जाता है। ये कौशल्या नदी जिसके ऊपर पंचकुला में एक डैम पड़ता है और उस डैम का नाम क्या है, तो याद रखिएगा कौशल्या बांध। कौशल्या बांध कौशल्या नदी के ऊपर कौन से स्टेट में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, पंचकुला में। और ये बांध कब से कब बना था, तो याद रखिएगा 2008 से 2012 के बीच में ये बांध बनाया गया था। उसके बाद में इस नदी के ऊपर जो बांध पड़ता है उसमें नाम आता है दिघराणा बांध। उसके बाद में इसके ऊपर जो नाम आता है वो दीवान वाला बांध है। कौन सा बांध है, दीवान वाला बांध। और उसके बाद में जो बांध आता है वो कौन सा है, छामला डैम। लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में एक ये बन सकता है, इनमें से कौन सा बांध है जो कम ऊंचाई वाला है और सरकार की तरफ से गग्गर नदी के ऊपर बनाने की अनुमति नहीं दी गई। याद रखिएगा वह कम ऊंचाई वाला बांध जो सरकार की तरफ से गग्गर नदी के ऊपर बनाए जाने की अनुमति नहीं दी गई, तो याद रखिएगा कौन सा बांध है, दीवान वाला बांध। कौन सा बांध है, दीवान वाला बांध है। तो ये चीजें आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है इस प्रकार की चीजें, तो ये याद रखिए आप साथ के साथ में नोट करते हुए चलिएगा। तो ये कुछ पॉइंट थे। उसके बाद में सिरसा के अंदर, सिरसा के अंदर एक बांध पड़ता है गग्गर नदी के ऊपर जिसका नाम है ओटू बांध। कौन सा बांध है, ओटू बांध, या इसे किस नाम से भी जानते हैं, तो आप याद रखिएगा वीए राज बांध के नाम से, वीए राज बांध के नाम से या ओटू बांध के नाम से। एक ही पॉइंट है जो सिरसा के अंदर गग्गर नदी के ऊपर पड़ता है। देखिए यहां से सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन निकलता है वो ये निकलता है कि ऐसा बताया गया है घग्गर नदी सिरसा के ओटू बांध तक घग्गर के नाम से जानी जाती है। घग्गर नदी सिरसा के ओटू बांध तक घग्गर के नाम से जानी जाती है और ओटू बांध या वीराज बांध के आगे इसका नाम क्या हो जाता है, हाकरा। याद रखिएगा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि हाकरा के, हाकरा के नाम से कौन सी नदी को, देखिए घाघरा अलग है घग्गर अलग है, घाघरा जो है वो अलग है और घग्गर अलग है। याद रखिएगा कभी आपसे ये सोचे घग्गर और घाघरा एक ही है, नहीं, घाघरा अलग है घग्गर अलग है। तो ये चीजें याद रखिएगा, घग्गर को किस नाम से भी जानते हैं, हाकरा के नाम से भी। जो भी डैम है वो आप नोट कीजिएगा साथ के साथ में, सभी पॉइंट क्लियर है, अच्छे तरीके से क्लियर होने चाहिए, सभी आसान पॉइंट है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, घग्गर के बाद में नाम आता है टांगरी नदी का। छोटी नदियां हैं टांगरी और मारकंडा, उसका एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। घग्गर के बाद में जो नाम आता है वो नाम आता है टांगरी नदी, और ये टांगरी नदी कहां से निकलती है, मोरनी हिल्स से। मोरनी हिल्स से कहां पर, तो पंचकुला से निकलती है। याद रखिएगा मोरनी हिल्स पंचकुला से निकलती है एक नदी जिसका नाम है टांगरी नदी। याद रखिएगा टांगरी नदी, यहां से कौन सा क्वेश्चन आएगा वो भी हम बताएंगे। टांगरी नदी कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में बहती है, तो आप याद रखिएगा पंचकुला के अंदर, और कहां पर बहती है, अंबाला के अंदर। और अंबाला के अंदर एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है मुलाना। अंबाला की जो एससी रिजर्व सीट है उस सीट का नाम है मुलाना, और अंबाला के मुलाना के अंदर ये टांगरी नदी किस में मिल जाती है, तो आप याद रखिएगा मारकंडा नदी के अंदर। ये पंचकुला में मोरनी हिल से निकलती है, यहां से मोरनी हिल से निकलती है, पंचकुला और अंबाला में बहने के बाद में ये किस में मिल जाती है, तो आप याद रखिएगा मारकंडा नदी में मिल जाती है। बहुत अच्छे, ये सभी पॉइंट आप साथ के साथ में नोट करें, याद होने चाहिए। टांगरी नदी मोरनी हिल्स पंचकुला से निकलती है, पंचकुला और अंबाला में बहती है, अंबाला के मुलाना में मारकंडा में मिल जाती है। कहने का मतलब मारकंडा की सहायक है कौन सी नदी, टांगरी नदी है। आप देखें जो नेक्स्ट नदी है इससे टांगरी से संबंधित इतने ही पॉइंट बनेंगे, जिस नदी से संबंधित जितने पॉइंट बन रहे हैं वो सारे पॉइंट हम क्लियर करते हुए चल रहे हैं। टांगरी से संबंधित दो तीन पॉइंट है, यही दो तीन पॉइंट पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद में नाम आता है मारकंडा का। मारकंडा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मारकंडा नदी। पहला पॉइंट कि मारकंडा नदी निकलती कहां से है, तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसका नाम है नाहन। हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसका नाम है नाहन, और उस नाहन के अंदर एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है धरतीधर पर्वत श्रेणी। याद रखिएगा ये जो नाहन डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश के अंदर, यहां पर नाहन डिस्ट्रिक्ट है, उस नाहन डिस्ट्रिक्ट के अंदर शिवालिक की पहाड़ियां फैली है, और उन शिवालिक की पहाड़ियों के अंदर एक पर्वत श्रेणी पड़ती है धरतीधर,
और उन धरतीधर पर्वत श्रेणियों से, उन धरतीधर पर्वत श्रेणियों से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, मारकंडा नदी। ये धरतीधर पर्वत श्रेणी से निकली थी हिमाचल प्रदेश से। अब हिमाचल प्रदेश से निकली है तो हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? तो याद रखिएगा, हरियाणा में काला अंब नामक स्थान से प्रवेश करती है। हरियाणा में काला अंब नामक स्थान से प्रवेश करती है। और काला अंब कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है? तो आप याद रखिएगा, अंबाला के अंदर। अंबाला के अंदर काला अंब नामक स्थान से यह हरियाणा में प्रवेश करती है। कौन सी नदी है? मारकंडा नदी। मारकंडा नदी आगे आकर मुलाना में अपनी सहायक नदी किसका जल उठाती है? टांगरी का जल उठाती है। और अंबाला और कुरुक्षेत्र में बहने के बाद, अंबाला और कुरुक्षेत्र में बहने के बाद में ये सरस्वती में मिल जाती है। लेकिन मारकंडा नदी सरस्वती में किस स्थान पर मिलती है? तो याद रखिएगा, कुरुक्षेत्र के अंदर एक स्थान पड़ता है, एक विधानसभा की सीट है पेहुआ, और इस पेहुआ के अंदर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है अरुणाय। जिसका नाम क्या है? अरुणाय। उस अरुणाय गांव के पास में ये मारकंडा नदी किस में मिल जाती है? तो आप याद रखिएगा, सरस्वती नदी के अंदर। मारकंडा किसकी सहायक है? सरस्वती। टांगरी किसकी सहायक है? मारकंडा की। तो ये चीजें याद रखिएगा, पेहुआ के निकट अरुणाय गांव के पास में मारकंडा नदी किस में मिल जाती है? सरस्वती में। लेकिन मारकंडा नदी से संबंधित जो सबसे इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो क्वेश्चन ये है कि मारकंडा का पुराना नाम क्या है? मारकंडा का पुराना नाम है वो अरुणा है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। मारकंडा का पुराना नाम क्या है? अरुणा। ये मारकंडा का पुराना नाम है। तो मारकंडा से संबंधित सभी पॉइंट आपने नोट किए, नहीं किए हैं तो कर लीजिए। अब हम डिस्कशन करेंगे हरियाणा की सबसे पुरानी और सबसे पवित्र नदी की। देखें, हरियाणा की जो सबसे पुरानी और सबसे पवित्र नदी है उस नदी का नाम क्या है? तो आप याद रखिएगा, सरस्वती। सरस्वती। सरस्वती नदी के पॉइंट का डिस्कशन करें तो ये हरियाणा की सबसे पुरानी और सबसे पवित्र नदी है। सबसे पुरानी और सबसे पवित्र नदी है, तो ये चीजें आप याद रखिएगा। देखें, सरस्वती नदी कहां से निकलती है? तो याद रखिएगा, ये सरस्वती नदी हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, एक जिला पड़ता है सिरमौर। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी पहाड़ियों से निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। हिमाचल प्रदेश से निकली थी, याद रखिएगा, कहां से निकली थी? हिमाचल प्रदेश से निकली थी, शिवालिक पहाड़ियों से निकली थी। अब हरियाणा में भी कहीं ना कहीं से प्रवेश करेगी, तो सरस्वती नदी है ये हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? तो आप सभी को मालूम है, आदि बद्री से। कहां से प्रवेश करती है? आदि बद्री से। आदि बद्री कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है? तो आप याद रखिएगा, यमुनानगर के अंदर पड़ता है। सरस्वती नदी हरियाणा में आदि बद्री से प्रवेश करती है, और आदि बद्री कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? तो याद रखिएगा, यमुनानगर के अंदर पड़ता है। यमुनानगर कहां पर पड़ता है? यमुनानगर। यमुनानगर के अंदर जैसे ही प्रवेश किया, उसके बाद में ये बहती है कुरुक्षेत्र में, उसके बाद में बहती है कैथल में, और उसके बाद कहां पर चली जाती है? तो याद रखिएगा, पंजाब के संगरूर में। देखे, सरस्वती नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में स्थित शिवालिक पहाड़ियों से निकली थी, उसके बाद में यमुनानगर में बहती हुई आगे बढ़ती है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में अपनी सहायक नदी का जल प्राप्त करती है। कुरुक्षेत्र में अपनी सहायक नदी मारकंडा का जल प्राप्त करती है, उसके बाद में कैथल, और कैथल में बहती हुई कहां पर चली जाती है? तो आप याद रखिएगा, कहां पर चली जाती है? पंजाब। और पंजाब के कौन से क्षेत्र के अंदर? संगरूर के अंदर। और पंजाब के संगरूर में ये सरस्वती नदी किस में मिल जाती है? तो आप याद रखिएगा, घग्गर नदी के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सरस्वती नदी है ये किसकी सहायक है? घग्गर की सहायक है। किसकी सहायक है? घग्गर की। और कहां पर मिलती है? पंजाब के संगरूर में मिलती है। हरियाणा की सबसे पवित्र, हरियाणा की सबसे पवित्र नदी है, हरियाणा की सबसे प्राचीन नदी है। कौन सी? सरस्वती नदी। सरस्वती नदी का सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये आता है, ये जो सरस्वती नदी है, इसी सरस्वती नदी के ऊपर महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी। याद रखिएगा, महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना कौन सी नदी के ऊपर की थी? तो आप याद रखिएगा, सरस्वती नदी के ऊपर की थी, जो हरियाणा की सबसे पुरानी नदी है। याद रखिएगा, हरियाणा की सबसे प्राचीन और सबसे पुरानी नदी है।
अब ये सरस्वती नदी यमुनानगर में जिस स्थान से बहती है वहां पर मिट्टी इस प्रकार की मिलती है कि यदि मिट्टी के ऊपर हम पानी डालें तो वो पानी रिसकर नीचे की तरफ चला जाता है और नीचे से हम उस स्थान को खोद दें तो पानी नीचे हमें इकट्ठा हुआ मिलता है, इकट्ठा हुआ हुआ मिलता है। जैसे कोई पहाड़ी इलाका है उसके अंदर मोटी मिट्टी है, मान लीजिए पत्थर के मोटे मोटे कंकड़ है, इस प्रकार से यदि इस क्षेत्र के अंदर हम पानी गिरे तो वो पानी यहां से रिसकर तुरंत नीचे की तरफ चला जाएगा, और यदि ये सारा पहाड़ी इलाका है तो वो पानी नीचे की तरफ ही बहने लगेगा, नीचे की तरफ ही बहने लगेगा। इसी प्रकार से सरस्वती नदी के पानी के चैनल मिले हैं, सरस्वती नदी बहती हुई दिखाई गई है। सरस्वती नदी के पानी के चैनल कौन से गांव से मिले थे? तो आप याद रखिएगा, मुगलावली गांव से। सरस्वती नदी के पानी के चैनल या सरस्वती नदी बहती हुई सबसे पहले कहां पर दिखाई दी थी? मुगलावली गांव। मुगलावली गांव के अंदर खुदाई का कार्य चला हुआ था और खुदाई के कार्य के दौरान मुगलावली गांव से सरस्वती नदी के पानी के चैनल मिले थे, याद रखिएगा। लेकिन सरस्वती नदी पुनरुत्थान योजना की शुरुआत भी की गई उसके बाद में, और सरस्वती हेरिटेज बोर्ड भी बनाया गया, सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड, ताकि सरस्वती नदी की और जांच की जाए किस किस स्थान से बहती थी, कहां कहां पर पानी के चैनल मिलने की संभावना और है। तो इसके लिए सरस्वती नदी जिस स्थान से बहती थी वहां पर खुदाई का कार्य शुरू हुआ और सरस्वती नदी पुनरुत्थान योजना की शुरुआत इसीलिए की गई थी ताकि उस स्थान के ऊपर खुदाई की जा सके। और सबसे पहले सरस्वती नदी पुनरुत्थान योजना के तहत कौन से गांव में खुदाई हुई थी? तो याद रखिएगा, रोला हेरी गांव में। यमुनानगर का एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, यमुनानगर का एक गांव पड़ता है जिसका नाम है रोला हेरी, और इस रोला हेरी गांव से सरस्वती नदी पुनरुत्थान योजना की शुरुआत हुई थी। और सरस्वती नदी पुनरुत्थान योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो आप याद रखिएगा, 21 अप्रैल 2015 से सरस्वती नदी पुनरुत्थान योजना की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले जो खुदाई की गई थी वो मुगलावली गांव से, मुगलावली गांव में पानी के चैनल मिले। लेकिन जो अंतिम खुदाई हुई थी सरस्वती नदी जहां से बहती थी, अंतिम खुदाई हुई थी वो कहां पर हुई थी? तो आप याद रखिएगा, बेगू सिरसा के अंदर। कहां पर हुई थी? बेगू सिरसा के अंदर सरस्वती नदी पुनरुत्थान योजना के तहत अंतिम खुदाई हुई, और ये बेगू कहां पर पड़ता है? सिरसा के अंदर पड़ता है। सरस्वती नदी के विकास के उत्थान के लिए सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड भी बनाया गया, और सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड, सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड जिसका जो चेयरमैन होता है, जिसका अध्यक्ष होता है, वो कौन है? तत्कालीन सीएम होगा, कोई भी सीएम है तो उस समय वो सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड का अध्यक्ष होगा। लेकिन वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड के? जो उपाध्यक्ष है उसका नाम प्रशांत भारद्वाज, याद रखें, नोट कीजिए। वर्तमान में सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड के जो उपाध्यक्ष है, और उस उपाध्यक्ष का नाम क्या है? तो आप याद रखिएगा, प्रशांत भारद्वाज, सॉरी भारद्वाज उसका उपाध्यक्ष है। तो ये सभी चीजें आप नोट कीजिए, साथ के साथ में लिखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, सभी चीजें आप याद रखें। उसके बाद में ये तो थी उत्तर हरियाणा की प्रमुख नदियां, उत्तर हरियाणा की प्रमुख नदियां। लेकिन अब इस उत्तर हरियाणा के अंदर दो नदियां और बसती है, जिसमें एक नदी का नाम आता है राक्षसी, राक्षसी नदी। और ये राक्षसी नदी कहां से निकलती है? तो आप याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से, सॉरी हिमाचल प्रदेश से नहीं निकलती भाई, सॉरी। ये राक्षसी नदी यमुनानगर के पास में, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक स्थान पड़ता है बिलासपुर, याद रखिएगा बिलासपुर, और उस बिलासपुर के पास में गांव पड़ता है जिसका नाम है शाहपुर, याद रखिएगा। यमुनानगर के बिलासपुर के पास एक गांव पड़ता है शाहपुर, वहां से ये नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? राक्षसी नदी। और ये राक्षसी नदी किसकी सहायक है? तो आप याद रखिएगा, चोटांग नदी की सहायक है। किसकी सहायक है? चोटांग नदी। और ये जो चोटांग नदी है, ये चोटांग नदी किसकी सहायक है? तो आप याद रखिएगा, सरस्वती की सहायक है। लेकिन चोटांग नदी के अंदर ये राक्षसी नदी मिलती कहां पर है? तो आप याद रखिएगा, लाडवा, लाडवा कुरुक्षेत्र के पास में मिलती है। कहां पर मिलती है? लाडवा कुरुक्षेत्र के पास में मिलती है चोटांग नदी है। ये चोटांग नदी शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी पहाड़ियों से निकलती है? शिवालिक पहाड़ियों से। ये नदी पहले गग्गर की सहायक हुआ करती थी। ये नदी है, ये प्राचीन काल में किसकी सहायक हुआ करती थी?
घग्गर की सहायक हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में किसकी सहायक है? सरस्वती की सहायक है। और ये नदी सरस्वती में कहां पर मिलती है? तो आप याद रखिएगा, भैनी के पास में। कहां पर मिलती है? भैनी के पास में सरस्वती में मिल जाती है। ये इसलिए बताया है क्योंकि कई बार क्वेश्चन एग्जाम में इन नदियों से संबंधित आया है। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कीजिए, नोट नहीं किए तो वीडियो को बैक करके अवश्य देखिएगा। चोटांग नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? ये क्वेश्चन बहुत पूछ लिया जाता है, चोटांग नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? तो आप याद रखिएगा, चोटांग नदी का जो ऋग्वैदिक नाम है वो कौन सा है? द्रसदौती। याद रखिएगा, द्रसदौती ये चोटांग नदी का ऋग्वैदिक नाम है। तो ये सभी पॉइंट आप साथ के साथ में नोट कीजिए। राक्षसी, यमुनानगर वगैरह से कहां से निकलती है ये नोट कीजिए, किसकी सहायक है, कहां पर मिलती है। चोटांग शिवालिक से निकलती है, किसके समांतर बहती थी आज, किसकी सहायक है, कहां पर मिलती है, पुराना नाम क्या है, ये सभी का डिस्कशन हमने किया है। तो ये उत्तर हरियाणा की नदियां थी, अब हम पढ़ेंगे दक्षिण हरियाणा की नदियां। सभी चीजें क्लियर हो रही होंगी, सभी चीजें समझ में आ रही है, आसान पॉइंट है, समझ में आना चाहिए। दक्षिण हरियाणा की यदि नदियों के पॉइंट का डिस्कशन करें तो सबसे पहले नाम आता है साहिबी नदी। साहिबी दक्षिण हरियाणा की जो प्रमुख नदी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो नदी है उसमें नाम आता है किसका? साहिबी नदी। ये साहिबी नदी कहां से निकलती है? तो याद रखिएगा, जयपुर से लगभग 115 किलोमीटर की दूरी के ऊपर, जयपुर से लगभग 115 किलोमीटर की दूरी के ऊपर एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है बहरोड, और उस बहरोड के साथ में पड़ती है मनोहरपुर व जीतगढ़ की पहाड़ियां। बहरोड के पास में पड़ती है मनोहरपुर व जीतगढ़ की पहाड़ियां, और इस मनोहरपुर व जीतगढ़ की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? साहिबी नदी। ये साहिबी नदी राजस्थान से बहती हुई हरियाणा की तरफ आती है, और हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? तो याद रखिएगा, कोट कासिम के पास से, कोट कासिम के पास से हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है? रेवाड़ी में। मान लीजिए कि यहां से ये नदी निकली थी मनोहरपुर जीतगढ़ की पहाड़ियों से, कोट कासिम के पास से ये हरियाणा में प्रवेश करती है, हरियाणा में प्रवेश करती है तो सबसे पहले रेवाड़ी में बहती है। रेवाड़ी के अंदर एक डैम पड़ता है इसके ऊपर जिसका नाम है मसाणी डैम, मसाणी बैराज। एक गांव पड़ता है जिसका नाम है तित्तरपुर, एक गांव पड़ता है जिसका नाम है मसाणी। तित्तरपुर मसाणी से बहती हुई ये आगे की तरफ बढ़ती है। अब जैसे ही आगे की तरफ बढ़ी तो रेवाड़ी से बहती हुई ये चली गई गुरुग्राम में, गुरुग्राम के अंदर से जैसी बहती है गुरुग्राम की पश्चिमी दिशा में बहती है, और गुरुग्राम की पश्चिम दिशा में बहती हुई ये चली जाती है पटौदी रेलवे स्टेशन के पास में। पटौदी रेलवे स्टेशन के पास से बहती है, पटौदी रेलवे स्टेशन के पास में जैसे ये पहुंचती है इसकी सहायक नदी इसमें आकर मिलती है। साहिबी की जो सहायक नदी है वो कौन सी है? इंदौरी नदी। वो इंदौरी नदी साहिबी में कहां पर मिलती है? पटौदी रेलवे स्टेशन के पास में। उसके बाद में गुरुग्राम में बहती हुई झज्जर में जाती है, झज्जर से जाती हुई आगे जाकर दिल्ली के अंदर नजफगढ़ झील में गिर जाती है, नजफगढ़ नाले में गिर जाती है। साहिबी नदी के एक बार फिर से पॉइंट देख लीजिएगा, साहिबी नदी जिसकी प्रमुख सहायक नदी है इंदौरी, और इंदौरी साहिबी में कहां पर मिलती है? पटौदी रेलवे स्टेशन के पास में। साहिबी नदी हरियाणा में रेवाड़ी से प्रवेश करती कोट कासिम के पास से, मसाणी बैराज साहिबी नदी के ऊपर है, ये नदी बहती है रेवाड़ी से, गुरुग्राम से, झज्जर से, और झज्जर से बहती हुई किसमें चली जाती है? तो आप याद रखिएगा, नजफगढ़ नाले में या नजफगढ़ झील में ये नदी गिर जाती है। अब हम साहिबी की जो सहायक है, साहिबी नदी की जो सहायक है उसका जिक्र करेंगे, और साहिबी की जो सहायक है उसका नाम क्या है? इंदौरी नदी। ये इंदौरी नदी मेवात के अंदर एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है नुहू। मेवात के नुहू के अंदर एक पहाड़ी पड़ती है, कुछ पहाड़ियां पड़ती है जिसका, या मेवात के नुहू के निकट एक किला पड़ता है जिसका नाम है प्राचीन इंदौरी किला। याद रखिएगा, प्राचीन इंदौरी किला, और उसके निकट में नुहू की पहाड़ियां या मेवात की पहाड़ियां पड़ती है। याद रखिएगा ये चीजें साथ के साथ में नोट करिएगा, इंदौरी नदी मेवात में नुहू के निकट, प्राचीन इंदौरी किले के निकट मेवात की पहाड़ियां या नुहू की पहाड़ियों से निकलती है।
ये नदी किसकी सहायक है? तो आप याद रखिएगा, ये किसकी सहायक है? साहिबी नदी की सहायक है। सारे पॉइंट क्लियर होने चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, और कोई भी यदि किसी प्रकार का आपको दिक्कत है तो कमेंट में अवश्य लिखें। इंदौरी नदी मेवात में नुह के निकट प्राचीन इंदौरी किले के पास में स्थित मेवात की पहाड़ियां या नुह की पहाड़ियों से निकलती है। याद रखिएगा, क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया था, उस क्वेश्चन का डिस्कशन भी हम प्रीवियस ईयर एग्जाम के जितने भी पर्सन सेट करवाएंगे उसमें करेंगे। साहिबी नदी की सहायक है, और ये साहिबी नदी के अंदर इंदौरी नदी कहां पर मिलती है? तो आप याद रखिएगा, गुरुग्राम के अंदर एक रेलवे स्टेशन पड़ता है जिसका नाम है पटौदी, उस पटौदी के पास में ये साहिबी में मिलती है। तो ये सभी चीजें आप नोट कर लीजिए, साथ के साथ में याद रखिएगा। अब दक्षिण हरियाणा की दो प्रमुख नदियां और बस्ती, ये इस प्रकार से बहती हुई मेवात वगैरह से निकलकर इस प्रकार से ये इसमें मिल जाती है। उसके बाद में नाम आता है कृष्णावती नदी का, नाम कृष्णावती नदी। कृष्णावती नदी निकलती है कहां से? तो याद रखिएगा, नीम का थाना। नीम का थाना जो कहां पर पड़ता है? राजस्थान के अंदर। और नीम के थाने के पास में पड़ती है कौन सी पहाड़ियां? तो याद रखिएगा, जयपुर की पहाड़ियां। कृष्णावती नदी है ये, नीम का थाना राजस्थान, जयपुर की पहाड़ियों से निकलती है। और ये कृष्णावती नदी नीमराणा से बहती हुई, नीमराणा से बहती हुई कहां पर प्रवेश करती है? नारनौल में। नारनौल के कौन से गांव के पास से? तो याद रखिएगा, बदांती, एक गांव पड़ता है जिसका नाम है बदांती, और एक गांव पड़ता है जिसका नाम है दोस्तपुर। इन दोनों गांवों के पास से ये नारनौल तहसील में प्रवेश करती है। मान लीजिए कि बदांती और ये दोस्तपुर साथ के साथ में नोट करें। उसके बाद में ये आगे बढ़ती है तो रेवाड़ी के कोसली, फिर उसके बाद में झज्जर, झज्जर के बाद में झज्जर के कौन से स्थान से? सुरेठी, और छुच्छकवास से बहती हुई आगे जाती है और किससे मिल जाती है? साहिबी नदी में मिल जाती है। सारे पॉइंट क्लियर होने चाहिए। देखिए, छोटी नदियां, इनसे संबंधित ज्यादा पॉइंट नहीं बनते हैं। उत्तर हरियाणा की जो नदियां थी उनके सभी पॉइंट हमने बताए हैं, लेकिन दक्षिण हरियाणा के अंदर जो नदी है उनके यही चार पांच पॉइंट बनेंगे। एक नदी के, कृष्णावती नदी नीम का थाना राजस्थान जयपुर की पहाड़ियों से निकली थी, दोस्तपुर और बदांती गांव से इन्होंने प्रवेश किया था, नारनौल तहसील से, नीमराणा, नारनौल, कोसली, सुरेठी, छुच्छकवास से बहती हुई आगे जाकर साहिबी नदी में मिल जाती है। आज की जो लास्ट नदी है उस नदी का जो नाम है, उस नदी का नाम है दोहान नदी। दोहान नदी, दोहान नदी है ये कहां से निकलती है? ढोसी की पहाड़ियों से। कौन सी पहाड़ियों से निकलती है? ढोसी की पहाड़ियों से। और ढोसी की पहाड़ियों का संबंध कौन से ऋषि से रहा है? तो आप याद रखिएगा, चौवन ऋषि से। याद रखिएगा, चौवन ऋषि। कई बार पूछा गया है कि चौवन ऋषि का संबंध कहां से है? तो आप याद रखिएगा, ढोसी की पहाड़ी से। और ये ढोसी की पहाड़ी है ये महेंद्रगढ़ में कौन से गांव के पास में पड़ती है? तो आप याद रखिएगा, कुलतालपुर गांव के पास में। दक्षिण हरियाणा की या पूरे हरियाणा में अरावली का जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है? ढोसी है। कौन सा है? ढोसी। और इस ढोसी की ऊंचाई कितनी है? तो आप याद रखिएगा, 652 मीटर इसकी ऊंचाई है। लेकिन आप ये चीजें याद रखिएगा, दोहा नदी ढोसी की पहाड़ियों से निकलती है। ऐसा बताया जाता है कि ढोसी की पहाड़ियों के ऊपर एक ऋषि रहते थे जिसका नाम था भृंगु ऋषि। ढोसी की पहाड़ियों पर एक ऋषि रहते थे जिसका नाम था भृंगु ऋषि, और उस भृंगु ऋषि की जो पत्नी हुआ करती थी उसका नाम था दिव्य पोलिमा। क्या नाम हुआ करता था? दिव्य पोलिमा। और इस दिव्य पोलिमा के नेत्रों से कौन सी नदी निकलती थी? तो याद रखिएगा, दोहान नदी। याद रखिएगा, ढोसी की पहाड़ी वगैरह से निकलती है और उसके बाद महेंद्रगढ़ वगैरह या रेवाड़ी के कुछ हिस्से महकर विलुप्त हो जाती है। दोहान नदी ढोसी की पहाड़ियों से निकलती है। ऐसा माना जाता है कि ढोसी की पहाड़ी के ऊपर एक ऋषि रहते थे जिसका नाम था भृंगु ऋषि, उसकी पत्नी थी दिव्य पोलिमा, और दिव्य पोलिमा के नेत्रों से निकलती थी कौन सी नदी? दोहान नदी। चौंकने की कोई बात नहीं है, चौंकने की कोई बात नहीं है। किसी बुक के अंदर यह भी मिल जाएगा कि ये नदी भी कहां से निकलती है? नीम का थाना जयपुर की पहाड़ियों से, राजस्थान से यह नदी निकलती है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि भृंगु ऋषि की पत्नी दिव्य पोलिमा के नेत्रों से ये नदी निकलती थी। तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद में जो हमारे पास में पॉइंट बचता है वो पॉइंट ये बचता है कि मारकंडा, मारकंडा जो नदी है, मारकंडा नदी है, इसके द्वारा जो निर्मित बाढ़ का मैदान,
मारकंडा नदी द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान किस नाम से जाना जाता है? बैठ के नाम से। किस नाम से? बैठ के नाम से। और घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान किस नाम से जाना जाता है? नैली के नाम से। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है। घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान नैली और मारकंडा द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान किस नाम से जाना जाता है? बैठ के नाम से। तो ये आज के कुछ पॉइंट थे, आज का जो टॉपिक था। इनसे संबंधित यदि कुछ भी पॉइंट बचे हैं तो आप कमेंट में हमारे से पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर अवश्य देंगे। कमेंट करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और सबसे पहले आप उसको देख सके, अच्छे तरीके से तैयारी कर सके। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लाइक कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।